तो आज मेरी वजह से बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से अंकिता रो रही थी, उसको फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, उसको एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से आइस लगा रही थी। जैसे लास्ट वीडियो पे मैं आपको बताया था कि अंकिता को मैंने प्रैंक किया था, जिसकी वजह से वो रेड मार्कर है उसमें कोई केमिकल है जिसकी अंकिता को एलर्जी होगी, जिसके बारे में अंकिता और मुझे दोनों को ही नहीं पता था। तो जहां जहां वो रेड मार्कर लगा था अंकिता को एलर्जी हो गई थी। मैंने फटाफट गाड़ी निकाली इसको स्किन क्लिनिक पे ले जाने के लिए और रास्ते में बिल्कुल भी बात नहीं करी थी मेरे से। पहले हम डरमेंट पहुंच गए थे, आपको पीछे कोई रेड लाइट दिखी, अंदर किसी की ट्रीटमेंट चल रही है, पर एक सेकंड के लिए मैं डर गया था। ट्रीटमेंट से पहले इसके फोटोग्राफ कीजिए ताकि उसके बाद का रिजल्ट पता चले। ये एंटी एलर्जी क्रीम लगाई, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट चालू हो गई और उसकी आंखें बंद थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। इसकी ट्रीटमेंट तो काफी लंबी चली पर उसके बाद रिजल्ट देखो भाई, सारे के सारे दाग गायब हो गए। ये देखो हमारे नई वरना और पुराना मॉडल दोनों साथ में पड़े और दोनों कितने मस्त लग रहे हैं। इसको मस्कवाने के लिए मैं मोई में लाया जहाँ पे काफी सारे डेजर्ट के ऑप्शन मिलते हैं। ये स्टार्टिंग में तो बहुत नखरे कर रही थी पर आप फाइनली हंस रहे मतलब मान गए। अब मैं नेक्स्ट प्लान की प्लानिंग बहुत जल्दी कर सकता हूँ। ये पता नहीं झले हुए ऑरेंज जैसे इसने कुछ मंगाया जो इसको अच्छा लगा नहीं लगा पता नहीं। वहां से कंसेप्ट हुंडई में गए जहाँ पे नई गाड़ी का मैंने कवर लिया जो बहुत महंगा पड़ा पर बहुत ही मस्त है। घर जाके यमी यमी माँ के हाथ का लंच किया। ये है हमारी नई गाड़ी और ये है हमारी पुरानी गाड़ी जो कि दोनों ही हमने रखी है। आपकी पसंद कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लेना।